टोडे आई एम गोइंग टू कवर अ न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक इज़ द वैक्सिन प्रोड्यूस्ड बाई रिकॉम डी एन एंड अदर इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज सो डिफरेंट टाइप के वायरल एंटीजेंस होते हैं जो कि पर्टिकुलर टाइप की इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं और uh, कुछ एंटीजेंपिटोप्स ऐसे होते हैं जो बाद में वुलेंस भी क्रिएट करते हैं तो उनमें थोड़ा सा मोडिफिकेशन uh, करना ज़रूरी है ठीक है तो पहले जब हम वायरल वैक्सीन एटिनेटेड बना के वैक्सीनेशन करते थे तो वो कभी कभी वापस से उनमें एक्टिवेशन आ जाता था और वो एटिनेटेड वैक्सीन भी कभी कभी इम्यूनोजेनिक नहीं होकर के सीधा वेरुलेंट हो जाती थी सीधा पैथोजेनिक हो जाती थी तो इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए वैक्सीन प्रोड्यूस्ड बाय एटिनेशन ऑफ वायरसेस बाय जीन डिलीशन ऐसे पर्टिकुलर जीन्स का ही डिलीशन करना पड़ रहा है या फिर साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस तो दो टेक्निक्स हैं जिसके कारण हम जो है वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं तो जीन डिलीशन पर्टिकुलरली ऐसे नॉन ऐसे नॉन इसेंशियल जीन्स है ना सभी जीन्स का नहीं जो नॉन इसेंशियल जीन्स है उन जीन्स का आ, हमें जो है डिलीशन कर देना चाहिए ठीक है जो कि विरुलेंस में कंट्रीब्यूट होते हों ऐसे जीन्स को जो नॉन इसेंशियल है पर विरुलेंस में कंट्रीब्यूट करते हों, ऐसे जीन्स को डिलीट कर देना चाहिए तो विरुलेंस क्रिएट नहीं होगा फॉर एग्ज़ाम्पल लार्ज डी एन ए वायरसेस फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हर्पीज़ वायरसेस हैं तो हर्पीज़ वायरसेस में देखा गया है कि एक बार हमने जैसे जो नॉन एसेंशियल जीन्स हैं उसको डिलीशन करने के बाद में उनका सीरियल पसाजिंग किया बहुत बार तो वो स्टेबल हो गए और मतलब अब नॉन वेरुलेंट हो गए उनमें एक एग्ज़ाम्पल है हर्पीज़ विनडी फैमिली से सीडोरेबिस वायरस तो सीडोरेबिस वायरस एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम है सीडोरेबिस की तो इसके अगेंस्ट जो वैक्सीन बनता है वो रिकॉम्बिनेंट डी वैक्सीन बनता है और रिकॉम्बिनेंट डी वैक्सीन Uh, किस जीन uh, डिलीशन से बनता है डिलीशन ऑफ थाइमिडिन काइनेस जीन थाइमेडिन काइनेस जीन के डिलीशन से और अदर सीडोरेबिस वायरस वैक्सीन जो है देट आर कंस्ट्रक्टेड बाई डिलीशन ऑफ थाइमेडिन काइनेस एज वेल एज वन और मोर ग्लाइको प्रोटीन जीन्स ऐसे ग्लाइको प्रोटीन्स कौन कौन से हैं ग्लाइकोप्रोटीन ई ग्लाइकोप्रोटीन बी और ग्लाइकोप्रोटीन जी ठीक है तो सीडोरेबीज़ में ये ग्लाइकोप्रोटीन जीन्स को भी डिलीट करते हैं अब जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर सीडो से वैक्सीनेटेड कोई आ, एनिमल है और उसमें आपको ये टेस्ट करना है कि वो डिसीज है या फिर वो वैक्सीनेटेड है तो एलाइजा में ये जो डिलीटेड जीन्स बेस्ड प्रोटीनस हैं इसका यूज़ करते हैं सपोज़ कीजिए अगर एनिमल इन्फेक्टेड है तो एलाइज़ा में इन्फेक्टेड एनिमल एलाइजा पॉजिटिव आ जाएगा पर अगर ये प्रोटीन्स लिए हैं टायरोसिन काइनेस के प्रोटीन्स या फिर ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन जी ई जी बी और जी जी तो फिर ऐसे में जो वैक्सीनेटेड होगा वो एलाइज़ा नेगेटिव दे, दे देगा ठीक है तो ये यहाँ पर एक इसकी जो है जस्ट डीवा टेस्टिंग भी हो जाएगी इसको ही हम कहते हैं डीवा टेस्टिंग तो ये हो गया जीन डिलीटेड बेस्ड वैक्सीन अब आते हैं साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस देखो नाम से समझ में आ रहा है कि जो साइट्स हैं उनमें म्यूटेशन करना है तो साइट स्पेसिफिक म्यूटाजेनेसिस हो सकता है इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है उसमें पर्टिकुलर ऐसा न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो कि वेरोलेंट जीन सीक्वेंस है तो उनके न्यूक्लियोटाइड्स के सब्सिट्यूशन कर देना भाई कहीं ए है वहाँ उसको जी लगा देना तो वो ए हो जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड का या तो सब्सट्यूशन कर देना या फिर उसमें इंजर्ट कर देना एक न्यूक्लियोटाइड और जोड़ देना या उसमें चेंज कर देना तो इसको हम कहते हैं अल्टीमेटली साइड डायरेक्टेड न्यूटाजनिस तो ऐसा करने से भी क्या होता है हमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में चेंज मिलता है और जो व्युलेंट जीन होता है वो ए होता है ए हो जाता है तो ऐसी बहुत सारी जेनेटिकली इंजीनियर्ड वैक्सीन्स डेवलप हुई हैं जिसका यूज़ जो है वो किया जा रहा है अब इसी में आते हैं नेक्स्ट वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड बाय एक्सप्रेशन ऑफ वायरल प्रोटीन इन यूक्यूरेटिक जैसे यस्ट ममीलियन या इंसेक्ट्स और बैक्टीरियल सेल्स तो इसमें इसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे वायरल जीन्स हैं जो इस पर्टिकुलर वायरल प्रोटीन से करते हैं तो वो जो एक्सप्रेस्ड जीन्स हैं सपोज किसी मान लीजिए कुछ आर एन वायरसेस है तो उनका सी डी एन ए कापी बनाया जाता है और ये सी डी एन ए कापी जो है वेक्टर में इंसर्ट किया जाता है और अगर ये वेक्टर्स यूकेरियोटिक्स हैं तो यू में येस्ट आ गया मेमिलियन आ गए इंसेक्ट आ गए तो इनके केस में क्या होगा आ, ये जीन एक्सप्रेस होंगे और प्रोटीन रिलीज करेंगे तो अगर ये जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है या ये जो वायरल प्रोटीन्स है यूक्यूरेटिक एक्सप्रेशन सिस्टम में ये प्रोटीन्स जब प्रोड्यूस होते हैं तो ये ग्लाइकोसाइलेटेड होते हैं है ना तो ये ध्यान रखना कि इफ़ द इम्यूनोजेनिक वायरल प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट इज़ ग्लाइकोसाइलेटेड यू एक्सप्रेशन सिस्टम मस्ट बी यूज so that the expressed protein is glycosylated and प्रोड्यूस ideally in their proper conformation तो यूकेरिटिक एक्सप्रेशन सिस्टम में डालने पर जब भी प्रोटीन रिलीज होता है तो उसका पोस्ट ट्रांजेशनल मोडिफिकेशन हो चुका होता है पोस्ट ट्रांजेशनल मोडिफिकेशन में एक क्वालिटी ये है कि यू सिस्टम में ग्लाइकोसाइलेशन हो चुका होता है तो so, अगर आपका प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट जैसे कि वायरल प्रोटीन जो है वो ग्लाइकोसाइलेटेड है तो आप उसको यूकेरेटिक सिस्टम में डाल दो आपका प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेटेड होकर ही निकलेगा अब यूकेरेटिक सिस्टम में पहले हम बात करते हैं यस्ट की तो यस्ट में हम सेक्रोमाइसिस सेवेसी को बहुत अच्छे से जानते हैं और सक्रोमाइसिस के, के केस में एक जो वैक्सीन बना है वो है ह्यूमन हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीन ये यिस्ट ये में बनाया गया इसके बाद दूसरा हम इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट में इस्पोरपटेरा फ्रूजी परडा फ्रूजी परडा तो ये एक इंसेक्ट है तो इंसेक्ट सेल लाइन इस्पोरबेरा फ्यूजी परडा में जो है बनाया गया वैक्सीन और इसमें क्या होता है इंसेक्ट में इंसेक्ट भी एक यूक्यूरिटी एक्सप्रेशन सिस्टम है तो इंसेक्ट में क्या होता है जैसे बेकुलो वायरस है तो बेकुलो वायरस, व... तो वायरस में एक प्रोटीन है जो कि पॉलीहेड्रिन प्रोटीन है तो एक जो प्रोटीन है उसके साथ में ये अटेस्ड रहता है है ना बेकुलो वायरस में एक जीन होता है जिसमें ऑलरेडी इस बेकुलो वायरस के प्रोटीन के साथ में पॉलीहेड्रिन प्रोटीन अटैच्ड रहता है तो जब भी ये वाला जीन एक्सप्रेस होता है इंसेक्ट केस में तो इंसेक्ट के, के केस में क्या होता है कि ये पॉलीहेड्रिन प्रोटीन भी एक्सप्रेस होकर के अटैच होकर के आता है अगर आप इंसेक्ट फॉर एग्जांपल जैसे आप सिल्क वम की जो मोथ सेल कल्चर है उसको अगर आप लेंगे तो मोथ सेल कल्चर में जैसे जो केटर प्लस वगैरह होते हैं इंसेक्ट ही हैं प्लस भी इनका एक सेल कल्चर अगर आप लेते हैं तो बेक्यूलो का पॉलीहाइड्रेन प्रोटीन है वो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन सिस्टम में प्रोटीन के साथ में अटैच होकर के ही रिलीज होता है अगर आप मेमिलियन सेल की बात करते हैं तो मेमिलियन सेल कल्चर में जो यूक्यूरेटिक सेल्स हैं उसमें एक एडवांटेज और मिल जाता है वो एडवांटेज है कि जैसे ही एक्सप्रेस होकर के प्रोटीन रिलीज होता है करेक्ट पोस्ट ट्रांजिशनल प्रोसेसिंग हो जाती है साथ में ग्लाइकोसाइलेशन भी हो जाता है और उस प्रोटीन का सिक्रेशन भी हो जाता है ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप मेविलियन सेल में इधर से प्रोटीन डालो सॉरी इधर से जीन इंजर्ट करो और उधर से आपको प्रोटीन जो है पूरा ग्लाइकोसाइलेटेड मिलेगा पोस्ट ट्रांजेशनल मोडिफिकेशन भी मिलेगा और उसका सिक्रेशन भी हो जाएगा ठीक है तो आ, एक टेबल है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ एटेड इनएक्टिवेटेड एंड डीएनए वैक्सीन तो हम सिर्फ डीएनए वैक्सीन डीएनए वैक्सीन की बात करते हैं रूट ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करेंगे इंजेक्शन से करेंगे अमाउंट ऑफ वायरस इन द वैक्सीन डोज तो वैक्सीन के डोज में कोई वायरस हम दे नहीं रहे हैं नंबर ऑफ डोजेस सिंगल आपको देना है तो ये लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी दे देता है नीड ऑफ एडजुवेंट इसमें कोई एडजुवेंट की ज़रूरत नहीं होती है ड्यूरेशन ऑफ इम्यूनिटी बहुत सालों तक इसकी इम्यूनिटी रहती है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इसमें हमेशा आई टाइप का जो कि सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ होती हैं आई सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होता है आई प्रोड्यूस होता है प्राइमरी एंटीबॉडीज़ फिर उसके बाद में 21 दिन या सात दिन या दस दिन के बाद में आई जी करता है इसके बाद सेल मिलेटेड रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है हीट लेबिलिटी नहीं होती तो मतलब हीट से डिनेचर का भी प्रश्न नहीं उठता इसमें फिर इंटरफेरेंस बाय प्रायर एंटीबॉडीज़ तो किसी भी टाइप का एंटीबॉडी के साथ जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होता साइड साइड इफ़ेक्ट इसमें जो है अनसर्टेन बहुत ज़्यादा होता नहीं है यूज़ इन प्रेग्नेंट एनिमल्स इसको आप यूज़ कर सकते हैं डीएनए वैक्सीन को इसके बाद आ, रिवर्जन आ, रिवर्जन टू वेलेंस नहीं होता है और कॉस्ट थोड़ी सी हाई है बस इसका यही एक डिसएडवांटेज है कि इसकी कॉस्ट थोड़ी सी हाई है लेकिन वेलेंट रिवर्जन इसलिए भी नहीं होता क्योंकि आप उस जीन को डिलीट कर देते हो या म्यूटेट कर देते हो बाय साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेसिस म्यूटेट कर देते हो या फिर आप सिंपल डिलीशन कर देते हो अब हम एक्सप्रेशन सिस्टम में ही एक प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं वायरस लाइक पार्टिकल अब इस टाइप के प्रोटीन का एक्सप्रेशन करते हैं तो ऐसे जीन कोडिंग्स करते हैं जो पर्टिकुलरली नॉन एनवेलप्ड आइकोसाइड्रल वायरस फैमिली से बिलोंग करते हैं पर अब आजकल तो ये हो गया है कि साइंस इतना डेवलप हो गया है कि इनवेलब्ड आइकोसाइड्रल या इनवेलब्ड वायरसेस और नॉन इन्वेल्बड वायरसेस दोनों के अगेंस्ट में वैक्सीन प्रिपेयर्ड होना शुरू हो गई है है ना इसका एक मैंने वीडियो भी है अपलोड किया है आप सीधा देख सकते हैं वायरस लाइक पार्टिकल्स आप सर्च करेंगे तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा तो इसमें क्या होता है कि इस टाइप की जीन को इंसर्ट करते हैं जो सिर्फ़ वायरल प्रोटीन कैप्सिड बनाते हैं और ये वायरस लाइक पार्टिकल्स जो होते हैं ये गुड एम्यूनिजन होते हैं और अच्छे से एक्सप्रेस होते हैं और इसके एग्ज़ाम्पल हैं वायरस लाइक पार्टिकल के जैसे पिकोरना वायरसेस कैल्सी वायरसेस रोटा वायरसेस और भी वायरसेस तो आप देखिए पिकोरना 22 नंबर का है कैल्सी वायरस तेईस नंबर का है रोटा और आरबी दोनों जो है रियोवेडी फैमिली से बिलोंग करते हैं ठीक है इसके अलावा मैं जानता हूँ जहाँ तक है हेपेटाइटिस बी वायरस का भी वायरस लाइक पार्टिकल बनाया गया है जो कि हेपेटना विडी में आता है इसके बाद पैरामिक्जो विरिडी है।, है ना तेरहवें नंबर पे पैरामिक्जो विडी तो पैरामिक्गजोविरडी फैमिली का भी जो है आ, उसका जैसे निपाह वायरस वगैरह का जो है आ, इन्होंने आ, वायरस लाइक -like पार्टिकल बनाया है वायरस लाइक -like पार्टिकल जो होते हैं वो एमटी वायरस पार्टिकल्स भी होते हैं मतलब अल्टीमेटली क्या है ये एक वायरल कैप्सिड है विदाउट एनी जीनोम बस ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है तो इसके बाद हम बात करते हैं वैक्सीन यूटिलाइजिंग बैक्टीरिया एज वैक्टर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ वायरल तो अभी तक हमने यू क्यूरोटिक एक्सप्रेशन सिस्टम की बात की अब हम प्रोक्योटिक एक्सप्रेशन सिस्टम की बात करते हैं तो अभी तक जो यू क्यूरोटिक सिस्टम है इसमें हमने ये देखा था कि पोस्ट ट्रांजेशनल मॉडिफिकेशन भी हो जाता है साथ में जो ग्लाइकोसाइलेशन भी हो जाता है उसमें सिक्रेशन भी हो जाता है उसका वायरस के प्रोटीन का तो ये यूक्योटिक सिस्टम की खासियत है पर इसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि यूक्यूरिटिक सिस्टम में आपको सेल कल्चर के अंदर डेवलप करना है और सेल कल्चर जो है वो आपको इन विट्रो मेथड है पर अगर आपको सपोज़ कीजिए कंटिन्यूसली वैक्सीन जो है बॉडी में चाहिए और उसका टाइटर घटे नहीं तो आप क्या करें आप सीधा बैक्टीरियल एक्सप्रेशन सिस्टम में हमारे वायरस के पर्टिकुलर एंटीजन को डाल दें तो कैसे इसमें क्या होता है कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया के वेक्टर में या बैक्टीरिया के प्लाजमिक में उसका जो पर्टिकुलर जीन ऑफ सीक्वेंस है उसको इंसर्ट कर देते हैं और इंसर्ट करने के बाद में इसको बैक्टीरिया को जो नॉर्मली ऐसे बैक्टीरिया यूज़ करते हैं जैसे ई कोलाई है सालमोन है माइकोबैक्टीरिया है आ, जो कि एटिनिटेड होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि कॉमन कॉमनसल होते हैं कॉमन कॉमनसल होते हैं विद द होस्ट होस्ट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते दे कैन ईजिली मल्टीप्लाई इन द गट तो इस टाइप के बैक्टीरिया लिए जाते हैं तो ये बैक्टीरिया जैसे मान ये एग्ज़ाम्पल है कि अगर गट से रिलेटेड है तो गट से रिलेटेड बैक्टीरिया के अंदर ऐसे वैक्टर डालेंगे और वैक्टर में ऐसे इन्जर्शन करेंगे जीन का जो कि विरुलेंट इंटेरिक वायरसेस होते हैं तो विरुलेंट एंटेरिक वायरस के जीन का इंजर्शन यहाँ पर करेंगे जो कि नॉन विरुलेंट होगा या म्यूटाजेसिस से बनाया हुआ होगा या साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस से बनाया होगा तो ये क्या होते हैं आ, लगातार गट एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू के कांटेक्ट में रहते हैं और ये आइडियल एक्सप्रेशन वेक्टर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि कंटिन्यू बैक्टीरिया जैसे जैसे ग्रो होते जाएंगे वैसे वैसे उसका जो प्रोटीन है आ, वायरस का वो गट में रिलीज़ होता जाएगा और एक पर्टिकुलर टाइप का आ, जो म्यूकोजल इम्यूनिटी है वो हमें मिलेगा ठीक है तो म्यूकोजल इम्यूनिटी किससे होती है आईजीए एंटीबॉडीज़ से तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनती रहेगी तो एंटीबॉडीज़ का जो टाइटर है वो हमेशा बना हुआ रहेगा और एनिमल जो होगा या ह्यूमन जो होगा वो हमेशा इम्यूनाइज़्ड रहेगा नाउ नेक्स्ट है वैक्सीन वायरसेस एज वैक्टर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ वायरल एंटीजन तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डी एन ए वायरसेस एज ए वैक्टर यूज़ किया जाना है तो डी एन ए वायरसेस एज ए वैक्टर क्या हो गया वैक्सीनिया वायरस वैक्सीनिया वायरस को वैक्टर की तरह यूज़ किया जा रहा है और इसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया जीन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा यहाँ पर हेपेटाइटिस बी वायरस तो हेपेटाइटिस बी वायरस को लिया गया है यहाँ पर और इसको यहाँ इस प्लाजमिट में इंसर्ट किया गया है ऑलरेडी ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लाजमिट है वैक्सीनिया वायरस का जिसमें वैक्सीनिया का यहाँ प्रमोटर है यहाँ रेस्ट्रिक्शन साइट है जहाँ पे हमारा जीन इंसर्ट होगा टैरोसिन कैनिस मोटिवस हैं और प्लाज्ड ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन तो ओ आर आई यहाँ पर है इसके बाद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर है यहाँ पर तो जब इन दोनों प्लाजमिट और हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंजर्ट किया जाता है तो इसको हम कायमेरिक प्लाज्मिट कहते हैं इस कायमेरिक प्लाज्मिट को अब हम डालेंगे वैक्सीनिया वायरस में इस वैक्सीनिया वायरस को हम जो है ट्रांसफेक्ट करेंगे आ, मेमिलियन सेल में और मेमिलियन सेल कल्चर में क्या होगा कि जो प्रोटीन बनेगा फॉर हेपेटाइटिस बी वायरस क्योंकि हेपेटाइटिस बी वायरस के जीन में कहीं से कहीं तक टायरोसिन टाइरोसिनकाइनस का जीन नहीं था तो इसलिए जो प्रोटीन बनेगा वो टायरोसिन टायरोसिनकाइनिस नेगेटिव रिकॉम्बिनेंट वायरस रहेगा और प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा अगेंस्ट दी हेपेटाइटिस बी वायरस ठीक है तो इसलिए यहाँ पर हेट्रोलोगस डी इसको बताया गया है पहले ये टायरोसिन टायरोसिनकाइनस जीन था पर यह जीन किसका था ये जीन था वैक्सीनिया वायरस का अब इसको यहाँ पर यहाँ हेट्रोलोगस डीएनए बताया गया है फॉर हमारे हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए तो अल्टीमेटली जो हेपेटाइटिस बी वायरस सीक्रेट होगा वो टायरोसिन काइनस नेगेटिव होगा और हमें पता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस वगैरह जो होता है वो भी विरुलेंट हो जाता है कब इन द प्रेजेंस ऑफ टायरोसिन टायरोसिनकाइनिज एंजाइम तो ये अगर एब्सेंट रहेगा तो ये नॉन विरुलेंट रहेगा लेकिन uh, इसके अगेंस्ट में जो है इम्यूनिटी हमेशा रहेगी तो ये देखा गया है कि इनके अगेंस्ट में uh, ये कंटिन्यूसली मेमिलियन सेल कल्चर में ये रहेंगे और कंटिन्यूसली जो है सी एम आई प्रोड्यूस करेंगे ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोड्यूस करेंगे तो ये तो एक आस्पेक्ट हो गया इसमें एक दूसरा आस्पेक्ट ये है कि अगर हमें uh, कोई जीन डिफेक्ट नॉर्मली बॉडी में आ गया है फॉर एग्ज़ाम्पल कैंसर थेरेपी की कंडीशन में जीन डिफेक्ट हो गया है तो कैंसर हो रहा है तो एंटी कैंसरल थेरेपी में भी हम इस जीन डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं फॉर द करेक्शन ऑफ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस कैंसर साथ में ह्यूमन की एजिंग के केस में जो डी जनरेटिव डिसीज़ेज़ होती हैं जैसे आर्थराइटिस वगैरह है जो डी जनरेटिव डिसीज़ हैं तो इनमें भी हम म्यूटेशन uh, कर सकते हैं और इस म्यूटेशन का एग्जांपल मैंने आपको जैसे यहाँ पर दिया कि यहाँ पर भी जो हमारा ये कायमेरिक प्लाज्ड है इसमें हम ऐसे जीन इन्जर्ट करके ऐसे प्रोटीन बना सकते हैं जो पर्टिकुलरली हमारी एजिंग को कम करे या आ, एंटी कैंसरस जीन का म्यूटेशन कर दे तो इस टाइप से ये टेक्निक यूज़ की जाती है तो अभी तक हमने पढ़ा डीएनए वायरस एज ए वैक्टर इसमें पहला हमने एक एग्ज़ाम्पल देखा था वैक्सीनिया वायरस का वैक्सीनिया वायरस के बाद दूसरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं हाँ इसी में वैक्सीनिया वायरस में जो वैक्सीन बनाई गई है वैक्सीनिया वायरस बेसिकली नॉन वेंट पोर्शन वैक्सीनिया वायरस का लिया जाता है इसके प्लाजमेट का लिया जाता है और इससे जो वैक्सीन बनी है वो बनी है रेबीज़ वैक्सीन जो कि फॉक्सिस और रेकूंस को इम्यूनाइज करने के लिए बनाई जाती है ताकि फॉक्स और रेकूंस में रेबीज़ ना हो इसके लिए जो मेवलियन सेल कल्चर है वो लिया जाता है बेट का और बेट में इसको औरली एडमिनिस्ट्रेड कर देते हैं तो ये वायरस इजीली जो होता है वो बेट में आ, से हमको मिलता है और इसको हम फिर फॉक्सिस और रेकोन्स में इंजेक्ट करते हैं तो वो इम्यूनोजेनिक होता है लेकिन पैथोजेनिक नहीं होता ऐसा ही दूसरा डीएनए वायरस का सिस्टम है वो है फाउल पॉक्स वायरस फाउल पॉक्स वायरस को भी एज ए वैक्टर यूज़ किया जा सकता है और ये जो है इसका बेस्ट रेप्लीकेशन टेक्निक होता है इन uh, comparison टू द canary पॉक्स वायरस canary पॉक्स वायरस में जो है replication strategy इतनी अच्छी नहीं होती तो फॉल पॉक्स वायरस का भी यूज़ जो है सरप्राइजिंगली uh, अभी किया जा रहा है नेक्स्ट uh, जो है वैक्सीनिया uh, वायरस से जो rabies कंस्ट्रक्शन या फिर वैक्सीनिया वायरस से जो rabies वैक्सीन का प्रोडक्शन था वो देखा गया है कि foxes जो हैं यूरोप में वैक्सीनेट किए गए हैं और रेकूंस जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट में वैक्सीनेट वे, किए गए हैं ऐसे ही रिंडर पेस्ट वैक्सीन जो होती है वो भी वैक्सीनिया वायरस और केपरीपॉक्स वायरस से बनाई गई है रिंडर पेस्ट की वैक्सीन और रिंडरप्रेस्ट वैक्सीनेशन किया गया है अफ्रीका में तो ये था ऑल अबाउट द डीएनए वायरस वेक्टर्स तो डीएनए वायरस वेक्टर में मेनली हमने इसमें तीन पढ़े हैं पहला है वैक्सीनिया वायरस वेक्टर दूसरा है फाउल वायरस फाउल पॉक्स वायरस वैक्टर और तीसरा है हमारा कैप्री पॉक्स वैक्टर ठीक है अब हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे आर एन ए वायरसेस एज ए वैक्टर तो डी एन ए वायरसेस एज ए वैक्टर में जैसे अभी जो और नए नए -ना यूज़ हो रहे हैं जैसे पार्वो वायरसेस ऐसे वैक्टर यूज़ हो रहे हैं हर्पीज़ वायरसेस ऐसे वैक्टर यूज़ हो रहे हैं एडिनो वायरसेस ऐसे वैक्टर यूज़ हो रहे हैं आ, तो ये और भी इनका भी यूज़ होना शुरू हो गया है अब आते हैं आरएनए एन वायरसेस से वेक्टर तो आरएनए एन वायरसेस में भी जैसे पिकोना वायरसेस हैं या फिर सिंडबिस वायरसेस हैं तो सिंडबिस वायरसेस आता है आपका टोगावरिडी फैमिली में है ना पच्चीस नंबर तो सिंडबिस वायरसेस हैं तो इनको भी वेक्टर की तरह यूज़ किया जा रहा है और ये भी वायरस जो होते हैं बैक्टीरिया में ग्रो किए जाते हैं या किसी भी पैरासिटिक इन्फेक्शन में कॉमनली डोमेस्टिक एनिमल में पर्टिकुलर इन द कंट्री तो बैक्टीरियल कल्चर वगैरह में या फिर बैक्टीरिया के सिस्टम में इन वेक्टर को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इसके बाद नेक्स्ट आते हैं वायरल कायमेराज वायरसेस विथ रिप्लीकेटि मशीनरी ऑफ वन वायरस एंड प्रोटेक्टिव एंटीजन ऑफ अनदर वायरस तो इसमें क्या करते हैं कि कायमेराज बनाते हैं कैमेरा क्या होते हैं कि एडिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जीन है ना इन ए पर्टिकुलर प्लाजमिड या इन ए पर्टिकुलर वेक्टर तो उसमें क्या है एक वायरस के पास जो है सेफ्टी हाई इल्ड वाला जीन है ऐसी प्रॉपर्टी वाला जो जीन है उसको आप लेंगे काइमेरिक वेक्टर के अंदर और ये जो है ये केवल सेफ्टी प्रोवाइड करेगा ये केवल हाई इल्ड प्रोवाइड करेगा अब दूसरा वाला जो जीन है वो हमारा पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा जिसको हम ग्रो जिसको हम यूज़ करेंगे एज ए वैक्सीन ठीक है तो ये कायमेरिक कॉन्सेप्ट का जो है कायमेराज ये यहाँ से भी आता है फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फ्लुएंजा वायरस तो जो पैरामिगजोविडी फैमिली के इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं ये सेगमेंटेड जिनोम्स के होते हैं है ना तो इन सेगमेंटेड जिनोम्स में क्या होता है इसमें सेगमेंट्स जो होते हैं छः सात आठ के आसपास होते हैं तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं ये आपस में रिअसॉटमेंट करते हैं और रियासार्टमेंट होने पर भी इन्फ्लुएंजा वायरस में डिफरेंट टाइप के अलग अलग ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं इसके पेप्टाइड्स बनते हैं तो ये रियासार्टमेंट होने के कारण क्या होता है हमेशा ये वायरस स्किप कर जाता है इम्यूनिटी से और इन्फेक्शन क्रिएट करता है बहुत ज़्यादा विरुलेंट हो जाता है तो ये जेनेटिक रियसॉर्टमेंट की प्रॉपर्टी होने के कारण पेमिग्जोरिडी में ऐसा होता है तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ हमने यहाँ काइमेरिक प्लाज बनाने में या फिर काइमेरिक वेक्टर बनाने में यूज़ किया है और इसके साथ में हम एक ऐसे जीन्स को डालते हैं जो रेप्लिकेशन कर सके है ना तो अल्टीमेटली जो वायरस का जो हम वेक्टर यूज़ कर रहे हैं वो वेक्टर ऐसा हम कंस्ट्रक्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट डी की हेल्प से जो कि काइमेरिक होता है एग्जाम्पल एक कर लें कि एवियन इंसिफ्लोमायलाइटिस वायरस जो है ये बहुत पोअरली कल ग्रो होता है इन द कल्चर्ड सेल और इन द हैंस एग अब इसके अगेंस्ट अगर हमें वैक्सीन बनानी है तो इसके जो कैप्सीड कोडिंग रीजन्स के जो प्रोटीन्स वाले जीन्स हैं तो इन जीन्स ऑफ इंटरेस्ट को हम रिप्लेस कर देते हैं और एक ऐसे वेक्टर में इंजेक्ट करते हैं इन्जर्ट करते हैं जिस वेक्टर में बहुत ज़्यादा हाई रिप्लीकेशन की प्रॉपर्टी होती है तो इसके कारण क्या होता है एवियन इंसिप्ल वायरस के अगेंस्ट में हमें प्रोटीन्स मिल जाते हैं और इन प्रोटीन्स का यूज़ जो होता है हम फादर वैक्सीनेशन वैक्सीन प्रोडक्शन में कर सकते हैं सिंथेटिक पेप्टाइड वैक्सीन्स बेसिकली क्या होती है कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वायरस के जो प्रोटीन्स हैं उसके उसको देखते हुए उसके अगेंस्ट में प्रोटीन्स बनाए जाते हैं उसके अगेंस्ट प्रोटीन बनाए जाते हैं ठीक है वायरस प्रोटीन के अगेंस्ट प्रोटीन बनाए जाते हैं और ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये केमिकली सेंसाइज होते हैं तो जब भी आ, कोई वायरस एंटीजेनिक डिटर्मेंट आता है तो ये प्रोटीन्स इस वायरस को न्यूट्रलाइज़ कर देते हैं मतलब ये देखा जाए तो सिंथेटिक पेप्टाइड जो है बेसिकली एंटीबॉडीज जैसे ही काम करते हैं तो फॉर एग्जांपल देखा जाए फूट एंड माउथ डिसीज वायरस रेबीज़ वायरस इनके अगेंस्ट में न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ बनाई गई हैं तो ये सिंथेटिक पेप्टाइड हैज़ बीन शोन टू इलिसिट न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी और ये सिंथेटिक पेप्टाइड कहीं ना कहीं इन वायरस से बाइंड होते हैं और इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं कभी कभी ये भी होता है एक तो ये तरीका हो गया कि सिंथेटिक पेप्टाइड वैक्सीन बनाने का एक ये तरीका हो गया कि हम सीधा इन वायरसेस के अगेंस्ट में ही प्रोटीन्स बना दें जो कि एंटीबॉडीज़ टाइप की होती हैं दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है कि आ, कभी कभी ऐसा करने पर ह्यूमरल इम्यूनिटी का रिस्पांस नहीं मिलता क्योंकि आपने एंटीबॉडी जैसा ही एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया तो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पांस मिलना चाहिए वो नहीं मिलता तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अपनी तरफ से जो है एंटीबॉडीज़ की अगेंस्ट मतलब एंटीबॉडी जैसी ही कुछ प्रोटीन्स तैयार कर दिए तो होता क्या है कि एपिटोप्स आर नॉट कम्पोज ऑफ लीनियर एरे ऑफ कंटिन्यूस एसिड्स बट रेदर आर असेंबल्ड फ्रॉम फ्राम एसिड्स दैट वाह बी सेपरेटेड इन प्राइमरी सिक्वेंस आर ब्रॉट इन टू क्लोज अपोजिशन बाय द फोल्डिंग तो जितने भी एपिटोप्स होते हैं जो वायरसेस के होते हैं वो कभी भी लीनियर नहीं होते वो प्रोटीन कभी भी लीनियर नहीं होते हमने प्रोटीन की फोल्डिंग्स पढ़ी हैं तो नॉर्मली वो नेचर में भी जो है फोल्डेड प्रोटीन्स के तरह या पोलिपेप्ट जेन की तरह होते हैं एन इफेक्टिव एंटीजेनिक स्टिमूल रिक्वायर दैट द थ्री डायमेंशनल शेप दैट एंड एपिटोप्स हैज़ टू ए नेटिव प्रोटीन मोलिक्यूल और वायरस पार्टिकल बी मेनटेन इन ए वैक्सीन तो हमें कुछ ऐसे स्टिमूल चाहिए जो कि पर्टिकुलरली इन अपीटोप्स को एज ए वैक्सीन जब रहें तो ये नेटिव रूप से ही एज ए वायरस पार्टिकल वैक्सीन में रहें क्योंकि हम क्या जो सिंथेटिक पेप्टाइड बना रहे हैं वो लीनियर मॉलिक्यूल है जबकि लीनियर मॉलिक्यूल आप वैक्सीन में रखेंगे तो वो सिर्फ इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स इतना नहीं आएगा क्योंकि जो ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें जो बी सेल रिकॉग्नाइज करती है वो फोल्डेड प्रोटीन रिकॉग्नाइज करती है और जो शॉर्ट सिंथेटिक पेप्टाइड हम लोग बना रहे हैं वो उसमें टर्शरी या क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर तो होगा ही नहीं हो क्योंकि वो तो बहुत शॉर्ट लीनियर चेन्स हैं है ना और ऐसी कंडीशन में इनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ भी रेज नहीं हो पाएगी तो अल्टीमेटली अगर आप नेटिव प्रोटीन्स जो हैं हमारे अगर वो लीनियर फॉर्म में हैं और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस नहीं हो पा रही है तो ऐसी कंडीशन में जो वायरस जो वरियन है वो जब भी आएंगे तो एंटीबॉडी टाइटर इतना नहीं हो पाएगा जिससे कि हम वैक्सीन एज ए वैक्सीन उसको यूज़ करके आ, बाद में वायरस से प्रोटेक्शन दे सकें तो इसीलिए ऐसी सिंथेटिक पेप्टाइड वैक्सीन बनाने की ज़रूरत पड़ी है जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की हो है ना लेकिन यह था अभी तक बी सेल के बारे में लेकिन आ, इसकी जगह क्या हुआ है इसकी जगह क्या हुआ है जो टी सेल्स होती हैं उन टी सेल्स पर शॉर्ट लीनियर पेप्टाइड जो होते हैं वो जब एम एस सी प्रोटीन से बाउंड होते हैं तो वो शॉर्ट लीनियर पेप्टाइड होते हैं मतलब जब भी एम एस सी से रिकॉग्निशन होता है तो एम एस सी कोई भी जैसे मान लीजिए मैक्रोफेज है बी सेल है तो एम एस सी क्या करता है शॉर्ट लीनियर पेप्टाइड को ही रिकॉग्नाइज करता है तो अगर हम इस टाइप के शॉर्ट लीनियर पेप्टाइड किसी वायरस के सिंथेटिकली बना देते हैं तो वो एम एस सी रिकॉगनाइज़ करेगा उस पर टी सेल रिस्पॉन्ड करेगी और टी सेल जैसे रिस्पॉन्ड करेगी जो तो जो सी एम आई वाला पोर्शन है मतलब ह्यूमरल वाला पोर्शन तो जो है यहाँ पर ह्यूमरल वाला पोर्शन था ह्यूमरल मिटेट इम्यूनिटी जो है वो हमेशा फोल्डर स्ट्रक्चर के कारण होती है और जो टी सेल रिस्पॉन्स से, है वो लीनियर पेप्टाइड के कारण होती है तो यहाँ पर हमको लीनियर पेप्टाइड्स बनाने हैं पर ऐसा होता है कि लीनियर पेप्टाइड्स में भी कितनी बार कंजर्वेटिव रीजंस होते हैं और ये कंजर्व रिजन्स वायरसस में भी होते हैं तो कितनी बार ऐसा होता है कि क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाती है तो टी सेल से कितनी बार क्रॉस रिएक्टिविटी होने के कारण प्रॉब्लम आती है इसीलिए uh, हमें यहाँ पर सिंथेटिक कामेरिक प्रोटीन्स बनाने की ज़रूरत है ये हाइड्रोपोलीम्स होते हैं जो कि आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड किए हुए होते हैं जो कि uh, uh, इसमें क्या करते हैं कि जो पेप्टाइड है जैसे मान लीजिए एक प्रोटीन है और दूसरी प्रोटीन है उन दोनों के बीच में जो पेप्टाइड है उनका फ्यूज़न कराया जाता है उसको हम फैसिलिटेटिंग फ्यूज़न कहते हैं और जब ऐसा फ्यूज़न होता है तो ये ईजीली सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं सेल मेम्ब्रेन ऑफ बी सेल एंड टी सेल और ऐसा होने पर जो है अगर टी सेल रिस्पॉन्स क्रिएट हो जाता है तो टी सेल रिस्पॉन्ड क्रिएट होने के बाद में इन फ्यूचर अगर हम बूस्टर डोज भी लगाते हैं या फिर कोई इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन भी यूज़ करते हैं या नेचुरल चैलेंज यानी कि अगर गलती से सही में भी इन्फेक्शन हो जाता है तो ऐसे में हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलता है तो ये है कॉन्सेप्ट हमारी सिंथेटिक पेप्टाइड वैक्सीन का तो हमें ये पता है कि हॉर्सेस के केस में एक प्रॉब्लम है जो थॉरो ब्रीड हॉर्सेस हैं उसमें एक प्रॉब्लम है कि उसमें जो एम एस सी डाइवर्सिटी है बहुत रेस्ट्रिक्टेड है बहुत ज़्यादा एम एस सी कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे नहीं आपको या एम एस सी के अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं मिलेंगे तो ऐसी कंडीशन में अगर हम उनको पेप्टाइड बेस्ड वैक्सीन देते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इसके अलावा पेप्टाइड बेस्ड सिंथेटिक पेप्टाइड बेस्ड जो वैक्सीन है वो बनाई गई है केनाइन पारवो वायरस के केस के में मिंक पारवो वायरस के केस में फूट एंड माउथ डिसीज़ पारोवा फूड एंड माउथ डिसीज़ वायरस इन्फेक्शन के केस में तो ये था हमारा सिंथेटिक पेप्टाइट वैक्सीन नेक्स्ट इज़ द वैक्सीन यूटिलाइजिंग एंटी इडियोटिपिक एंटीबॉडीज तो जो वैक्सीन यूटिलाइजिंग एंटी एडियोटिपिक एंटीबॉडीज़ हैं इनमें क्या बेसिक प्रिंसिपल है कि जो बी सेल्स हैं वो जितनी भी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं इन एंटीबॉडीज़ के जो वेरिएबल पार्ट में जहाँ से हम इपिटोक uh, की बाइंडिंग करवाते हैं या कोई एंटीजन की बाइंडिंग करवाते हैं तो उन वेरिएबल पार्ट का जो सीक्वेंस है वो जो एमिनो एसिड सिक्वेंस है उनको हम इडियोटाइप कहते हैं एंटीबॉडी में होते हैं एडियोटाइप्स तो एडियोटाइप के अगेंस्ट में हम जैसे अगर इन एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट में एंटी anti एंटीबॉडीज़ बनाएंगे तो वो एंटी एडियोटिपिक एंटीबॉडीज़ कहलाएगी और एंटी एडिटिपिक एंटीबॉडीज़ जो होगी वो इन एंटीजन जो कि वायरस के एंटीजन है इसकी मिमिक्री करेगी कन्फर्मेशनल मिमिक्री ऑफ इपिटोप करेगी है ना तो इस टाइप के जो एंटी एडियोटिक एंटीबॉडीज़ हैं इनको हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के थ्रू बना सकते हैं और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी टेक्नोलॉजी जो है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी है इसके थ्रू हम तो इस बना सकते हैं और ऐसी एंटी एडियोटिक एंटीबॉडीज़ जो है अभी तक रियो वायरस एस वन कैप्सिड एंटीजन के अगेंस्ट में या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट में जैसे कि जो सेंडे वायरस है पेरा इन्फ्लुएंजा वायरस है ये पेरा इन्फ्लुएंजा वायरस पेरा मिगजोविडी में आता है ये पेरा सॉरी पेरा इन्फ्लुएंजा वायरस वन हाँ सही है पेरा इन्फ्लुएंजा में ही आता है ये तो इनके केस में अभी तक इस टाइप से एंटीटिक एंटीबॉडी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाई गई है तो इस टाइप से हम वैक्सीन बना के प्रोटेक्शन दे सकते हैं नाउ नेक्स्ट है वैक्सीन यूटिलाइजिंग वायरल डीएनए। तो वायरल वैक्सीन्स डीएनए एन वैक्सीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे वैक्सीन यूटिलाइजिंग वायरल डीएनए। तो बहुत सारे ऐसे वैक्सीन्स हैं जिसमें डीएनए यूज़ हो सकता है पहले ये पता नहीं था कि हम सीधा डीएनए वैक्सीन बना सकते हैं पर 1990 में आ, एक प्लाजमेट कंस्ट्रक्ट किया गया था जिसमें बीटा गलेक्टोसाइडिस के एंजाइम के जीन्स थे और इसको जब माउस के स्केलेटल मसल में इंजेक्ट किया तो सिक्सटी डेज़ के बाद में आफ्टर पोस्ट इनोकुलेशन बीटा गलेक्टोसाइडिज एंजाइम प्रोड्यूस होना शुरू हो गया तो ऐसे ही डेवलपमेंट ऑफ डी वैक्सीन हुआ जिसके बाद में आ, इस प्लाजमिट को हम बैक्टीरिया में इनोकुलेट कर सकते हैं या फिर इस टाइप की जो डी एन ए हैं एंटी पैरासिटिक है या एंटी ट्यूमर फॉर्मेशन में या एंटी एलर्जिक थेरेपी में भी यूज़ कर सकते हैं तो डीएनए वैक्सीन के केस में 1960 में भी ये देखा गया था कि एक शोप पेपिलोमा वायरस है जो कि फिनॉल स्ट्रक्टेड डी था और इसको जब हम रैबिट की स्किन में इनोकुलेट करते हैं तो रेबिट में भी आ, सेम से, आ, जो पेपिलोमा वायरस के सिम्टम्स थे वो आने लगे तो इसको देखते हुए अब डीएनए के आरएनए के सी के और वायरल आरएनए के इनके अलग अलग आ, जो प्लाजमिट्स हैं वो बनाए जाते हैं और ये सीधे भी ऐसा रहता है कि आप सीधा अगर इनको ट्रांसफेक्ट करते हो किसी सेल में तो सेल में सीधे ही ये रिप्लीकेशन करके प्रोजनी बनाना शुरू कर देते हैं तो इसके लिए एक इन्फेक्शियस वायरल एजेंट को कंस्ट्रक्ट करके बैक्टीरियल वेक्टर में इनोकुलेट किया गया है और बैक्टीरियल वेक्टर जब बनाया गया है तो इसको रिकॉम्बिनेंट प्लाजमेट से हम इस टाइप के रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मेट से हम वायरल एंटीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है ये वायरल एंटीजन ह्यूमरल और सेल इम्यून रिस्पॉन्स को डिटेक्ट करता है और साथ में बेटर रिस्पॉन्स करता है और इन फ्यूचर प्रोटेक्शन भी देता है तो डीएनए वैक्सीन अगर ई e. कोलाई की प्लाज्मिड में हम इंजेक्ट करते हैं या उसमें कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ई e. कोलाई की प्लाज्मिड में एक, एक स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होता है पहले से ही साथ में uh, उसमें मल्टीपल क्लोनिंग साइट या पॉलीक्लोनल क्लोनिंग साइट्स होती हैं जिससे इसमें बहुत सारे uh, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स हैं जहाँ पर हम अपने डी को इंजेक्ट कर सकते हैं इंजल्ट कर सकते हैं वो साइट्स होती हैं साथ में पॉली ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन सिक्वेंस भी होते हैं कुछ सेलेक्टेबल मार्कर्स जैसे एम्पीसीन रेजिस्टेंट मार्कर्स होते हैं तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे कि आखिर ये किस टाइप के प्लाजमिट्स होते हैं और ये प्लाज्मिट्स में हम सिर्फ हमारा जो डीएनए है वो डाल देते हैं जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डाल देते हैं तो फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन साइटोमेगालो वायरस है उसमें भी इसी टाइप का प्लाजमिड और स्ट्रांग प्रमोटर यूज़ किया जाता है तो इसके बाद हम क्या करेंगे ऐसे प्लाजमिट को एम्प्लीफाई करेंगे ई e कोलाई में फिर ई e कोलाई को हम प्यूरीफाई करेंगे यू ई कोलाई का सस्पेंशन बफर से लाइन बनाएंगे और उसको होस्ट सेल में इंजेक्ट कर देंगे तो होस्ट सेल में इंजेक्ट करने से क्या होगा कि ये जो प्लाज्मिड है ये होस्ट सेल में चला जाएगा वहाँ पर जो डीएनए है हैं तो ये जो डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है ये क्या होता है मेमिलियन सेल में जाते ही या होस्ट में जाते ही प्रोटीन प्रोड्यूस करने लगता है अब बेस्ट साइट क्या है बेस्ट साइट ये है होस्ट में कि आप चाहें तो सीधा मसल्स की जो मायोसाइट्स हैं उसमें आप ट्रांसफेक्ट कर दें पूरा इकोलाई e. का सिस्टम जिसके अंदर वेक्टर है और वेक्टर के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है अब ये भी देखा गया है कि मायोसाइट्स में जाने के बाद में कुछ टाइम के बाद में इसके प्रोटीन्स आने लगेंगे और प्रोटीन्स का जो एक्सप्रेशन होगा वो इम्यूनोजेनिक होगा इसके अलावा अगर मायोसाइट्स में नहीं तो हम बोन मेरो में भी बोन uh, मेरो में हमारी प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं तो जैसे ही एंटीजन प्रोड्यूस होगा इस वेक्टर से वैसे ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के कांटेक्ट में आएगा और इसके अगेंस्ट में जो है इम्यूनिटी वॉक हो जाएगी इसके बाद यहाँ से जैसे ही जो ए है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये इसको ब्लड सर्कुलेशन में लेकर जाएगी और वहां से टी सेल एक्टिवेट होगी दूसरा एक रीजन दूसरा एक तरीका ये भी है कि हम लेंगर एंड सेल्स ऑफ द स्किन के यहाँ पर ही सीधे इंजेक्ट कर सकते हैं इन इकोलाइक e. सिस्टम को ताकि जो लेंगर एंड सेल्स है वहां से जो लोकल लिम्फेटिक नोट्स हैं वहाँ पर या रीजनल लिम्फेटिक नोड्स हैं वहाँ पर ये जो ए पी सी हैं सीधा चली जाए और वहाँ से हम जो है हमारे जो टी सेल्स से हैं उसको हम एक्टिवेट कर सकें तो इस टाइप के प्लाजमिक कंस्ट्रक्शन में एक काम और हम कर सकते हैं कि हमारा जो पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट यानी डी एन है उसकी हम कोटिंग कर सकते हैं विद द नैनो पार्टिकल्स तो जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो, वो वन टू थ्री माइक्रोमीटर डायमीटर गोल्ड पार्टिकल्स हो सकते हैं तो जैसे ही हम इसका नैनो पार्टिकल के साथ में कवरिंग करेंगे हमारे डीएनए का हम ये भी कर सकते हैं कि सीधा जीन गन मेथड से जिसको बम्बार्डमेंट कहते हैं जीन गन मेथड से हम हीलियम गैस ड्रीवन गन से बम्बार्डिंग करके इस टाइप के जो डीएनए हैं लगभग वन माइक्रोग्राम डीएनए को हम प्लाजम में इंजेक्ट कर सकते हैं और इस टाइप का जो रिकॉमनेंट वैक्सीन है इसका यूज़ हम प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनो स्टीमुलेटरी प्रोटीन्स के लिए कर सकते हैं जैसे कि ये वैक्सीन सीधा इंटरल्यूकिन टू बना सकता है इंटरल्यूकिन ट्वेल्व बना सकता है इंटरफेरॉन गामा बना सकता है और ये प्रोटीन्स जो हैं बेसिकली ये जो साइटोकाइंस हैं ये हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करेंगे इसका एक एडवांटेज ये है डीएनए वैक्सीन का कि ये इस टाइप का जो वैक्सीन बनेगा रिकॉमिनेंट वो प्योर होगा फिजीओकेमिकली स्टेबल होगा सिंपल होगा सिंप्लिसिटी होगी इसमें रिलेटिवली लो कॉस्ट का होगा है ना? इसका डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीवरी जो होती है वो बहुत इजी होगी इन द बॉडी इन द होस्ट सेल इसके बाद में इंक्लूज़न ऑफ मल्टीपल एंटीजेंस हम बहुत सारे अलग अलग टाइप के डीएनए एन कर सकते हैं प्लाजमिट में इन ए सिंगल प्लाज्मिट एंड एक्सप्रेशन ऑफ एंटीजन इन देयर नेटिव फॉर्म और इसमें बड़ी बात यह है कि जो भी प्रोटीन बनेगा वो फोल्डेड स्ट्रक्चर होगा या उसका खुद का जो नेटिव फॉर्म होगा वो होगा तो ऐसे करके अच्छा और ये है कि ये सेफ होते हैं तो इसीलिए इनको हम जैसे एक या दो बार इंजेक्ट कर सकते हैं उससे होगा ये कि जो टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स वगैरह हैं आ, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स वगैरह हैं इससे जो एंटीबॉडी रिस्पांस आएगा आ, और जो सेल मेडिटेड रिस्पांस आएगा वो काफ़ी अच्छा रहेगा मतलब टीएम सी एम आई और ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहेगा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डी एन ए इम्यूनाइजेशन करने पर अगर इन द प्रेजेंस ऑफ मेटरनल एंटीबॉडीज भी रहती हैं तब भी इम्यूनिटी इलिसिट होगी या तब भी इम्यूनिटी इंड्यूस होगी तो मेटरनल एंटीबॉडी से किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं जाएगा मेटरनल एंटीबॉडी होने के बाद भी इस टाइप का डी एन इम्यूनाइजेशन काफ़ी सेफ रहेगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा इस टाइप के डीएनए वैक्सीन का एडवांटेज क्या है तो डीएनए वैक्सीन का एडवांटेज तो हमने पढ़ लिया अब डिसएडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज ये है कि कितनी बार ऐसा हो सकता है कि जो हम डीएनए जिस प्लाज्मा में डाल रहे हैं उसको मेरे ई कोलाई में डाल दें तो जो ई e. कोलाई का जो क्रोमोसोम है वो कहीं ना कहीं इंजर्शनल म्यूटाजेसिस यह ऑन्कोजेनेसिटी क्रिएट कर सकता है तो होस्ट सेल में ये जो पूरा सिस्टम है ये ऑंकोजेनिक हो सकता है दूसरा कंटिन्यू जब हम किसी एंटीबॉडी का कंटिन्यू किसी प्रोटीन का प्रोडक्शन होता रहेगा तो ऑटो इम्यून डिसीज़ क्रिएट कर सकता है और जो हम डीएनए इंजेक्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडीज एंटी एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो सकती हैं जिसके बाद ये है कि अगर ऑटो इम्यून डिसीज़ क्रिएट होगी इसका मतलब यह है कि सेल्फ टॉलरेंस ब्रेक होगा इसके अलावा एक और है कि कितनी बार ऐसा हो सकता है कि ये जो डी एन ए ये होस्ट क्रोमोसोम में इन्जर्ट हो जाए तो अल्टीमेटली फॉर एनिमल दैट विल इंटर इनटू द ह्यूमन फूड चेन तो वो जिसमें भी आप इंजेक्ट करेंगे अगर वो एनिमल में इंजेक्ट किया है तो वो ह्यूमन की फूड चेन में भी आ जाएगा है ना तो इसीलिए ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये ह्यूमन फूड चेन में भी आ जाता है डी और इसके अगेंस्ट में जो है ऑटोमिन डिस भी क्रिएट होती है तो ये था अभी तक सारा रिलेटेड टू द वैक्सीन नाउ अब हम बात करेंगे कि ये किस किस टाइप के वेक्टर्स होते हैं और कैसे हम प्रोटीन uh, का प्रोडक्शन करते हैं तो जो वायरस के प्रोटीन प्रोडक्शन की हमने बात की और वेक्टर्स की बात की तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें वेक्टर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पता हो तभी हम इनके प्रोटीन्स के बारे में डिस्कस कर पाएंगे तो नॉर्मली वेक्टर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें वैक्सीन प्रोडक्शन करना हो जब हमें इम्यूनो डायग्नोस्टिक के, के लिए वैक्सीन सॉरी प्रोटीन्स चाहिए इम्यूनो डायग्नोस्टिक किट्स के लिए है ना या फिर हमें कुछ ऐसे एंटीजेंस जो प्रोटीन हैं उनके जीन का मॉडिफ़िकेशन करना हो अल्ट्रेशन करना हो ताकि हम एंटी कैंसर थेरेपी वगैरह में यूज़ कर सकें या एजिंग रोकने के लिए यूज़ कर सकें या फिर हम किसी भी टाइप के जो आ, आ, एज बढ़ने के साथ साथ जो डिफरेंट दिफ, टाइप के डिसऑर्डर्स आ जाते हैं उसको रोक सकें तो बहुत सारे यूज़ हैं इसके और अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए हमें प्रोटीन चाहिए पर प्रोटीन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिल पाता है तो हम वेक्टर्स का यूज़ करते हैं तो यहाँ वेक्टर में सबसे फर्स्ट क्वालिटी ये होना चाहिए कि उसमें स्ट्रांग प्रोमोटर होना चाहिए अगर प्रोमोटर स्ट्रांग होगा तो जो जीन है उसका आपका प्रोमोटर से ट्रांसक्रिप्शन बहुत फास्ट हो जाएगा फिर ट्रांसलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा क्योंकि प्रमोटर का मतलब यही है कि जीन जीन ऑफ इंटरेस्ट जीन ऑफ सिक्वेंस डेट अ कैपेबिलिटी टू इंक्रीज प्रमोट है ना प्रमोट का मतलब टू इंक्रीज और फेसिलिटेट द फास्ट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन इसको हम प्रमोटर कहते हैं अब ये जीन्स का ग्रुप होता है एक तो अब हम एक टिपिकल वेक्टर की बात करें तो जो टिपिकल वेक्टर होता है वो कुछ ऐसा दिखता है जिसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम प्रमोटर से सबसे पहले प्रमोटर होगा फिर इसके बाद में राइबोसोम बाइंडिंग साइट्स होंगी ताकि रेप्लिकेशन वगैरह सॉरी जो ट्रांसलेशन वगैरह है वो इफ़िशेंटली हो सके इसके बाद में यहाँ मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स होती हैं जो कि आरी साइट्स कहलाती हैं जो मतलब रेस्ट्रिक्शन साइट्स कहलाती हैं यहाँ आप मल्टीपल टाइप के जीन्स जैसे वन टू थ्री फोर टाइप की जीन्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं फिर इसके बाद में ट्रांसक्रिप्शनल टर्मिनेशन जीन्स होते हैं और ये वो जीन्स होते हैं जो अब ट्रांसक्रिप्शन को टर्मिनेट कर दे तो इसके बाद यहाँ होता है साइट ऑफ रेप्लिकेशन। इसका एरो देखिए अगेंस्ट है प्रमोटर का एरो अगेंस्ट में है तो जो साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन है इसको इसलिए दिया जाता है ताकि जब भी इस वेक्टर को किसी होस्ट सेल में डाला जाए तो ये जो इस्पॉन्टेनियसली uh, ये प्लाज्म जो है रेप्लीशन कर सके फिर इसके बाद कुछ सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं ये सिलेक्टेबल मार्कर्स बेसिकली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर्स होते हैं जैसे एमपी के होते हैं क्लोरोमफेनिकॉल के होते हैं ट्रेट्रोसाइकिलीन के होते हैं तो इनका काम ये होता है कि जिस भी मीडिया में इनको रखा जाता है उसमें जैसे एमपी सिलिन डला है और ये सिलेक्टेबल मार्कर जो है इसमें भी एमपी डला हुआ है तो जहाँ एम्पिसिन वाला एरिया होगा उस एरिया में ये वाला वेक्टर ही ग्रो कर पाएगा क्योंकि इसमें रेजिस्टेंट जीन है ना अगर एम्पिसिन है तो एम्पिसिन के अगेंस्ट में ये जो है जीन कुछ प्रोटीन रिलीज करेगा तो वो एम्पिसिन को ब्रेक डाउन कर देगा तो अल्टीमेटली एम्पिसिन रेजिस्टेंट एम्पिसिन मीडिया में जब इस टाइप के वक्टर को रखा जाता है तब तो इस टाइप का वैक्टर ग्रो करता है तो ये है अल्टीमेटली एक स्ट्रक्चर अगर कहीं एग्ज़ाम में आता है बनाने के लिए तो इसको हम बना सकते हैं तो एक ये चीज़ देखी जाती है कि जब भी जैसे मान लीजिए ये वेक्टर कहाँ होंगे ये वेक्टर ई e. कोलाई के सेल्स में होंगे या किसी भी टाइप के बैक्टीरियल मेमिलियन या इंसेक्ट सेल में होंगे या यूक्यूटिक एक्सप्रेशन सिस्टम में होंगे या बैक्टीरिया में होंगे तो जब भी प्रोटीन इस टाइप के बनते हैं तो ये प्रोटीन हो सकता है कि उस सिस्टम के लिए टॉक्सिक हो जिस सिस्टम में ये ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं जैसे ई कोलाई में अगर प्लाज्मिड है और ग्रो कर रहे हैं और डिफरेंट टाइप के एंजाइम सिक्रिट कर रहा है या फिर डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बना रहा है ये ई कोलाई एक्सप्रे रिकॉम्बिनेंट डी एन ए से वेक्टर बेस्ड तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि ये टॉक्सिक हो जाए ई कोलाई के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम पोलियो वायरस के थ्री ए बी जीन प्रोडक्ट के प्रोटीन की बात करें तो वो ई e. कोलाई के लिए टॉक्सिक होता है और वो ई e. कोलाई की मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को चेंज कर देता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए तो इसके लिए पहले से ही बहुत सारे एक्सप्रेशन सिस्टम के ऊपर इन प्रोटीन्स की स्टडी की जा चुकी होती है देन फाइनली ये जो एक्सप्रेशन सिस्टम है इनको लॉन्च किया जाता है तो एक्सप्रेशन सिस्टम में ई e. कोलाई में हम बात करें तो ई e. कोलाई ही क्यों लिया जाता है ई e. कोलाई इसलिए लिया जाता है क्योंकि ई e कोलाई का डबलिंग टाइम एक सेल से दो सेल होने में केवल तीस मिनट लगते हैं बहुत कम टाइम लगता है दूसरा ई e कोलाई क्यों लिया जाता है क्योंकि जो मीडिया यूज़ किया जाता है वो बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव नहीं हो मतलब इनएक्सपेंसिव होता है बहुत सस्ता होता है ये उसके बाद में अब हमें ई e कोलाई के जो हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर तो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर में प्रोमोटर का पूरा नॉलेज हो गया है टर्मिनेशन सिक्वेंस जो है उसका पूरा नॉलेज हो गया है इसके बाद में जो जो बहुत सारे ऐसे प्रोटीन्स हैं जो प्रोकेरियोट और यू कैरियोट में कॉमन होते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं ई कोलाई प्रोड्यूस कर लेता है इसके बाद में जो ई कोलाई की सेल है इसको इजीली ब्रोक किया जा सकता है इजीली तोड़ करके हम ये प्रोटीन निकाल सकते हैं तो इस टाइप के प्रोटीन्स निकाले जा सकते हैं इसके बाद कोलाई में एक प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम यह है कि ये इंट्रॉन्स को प्रोसेस नहीं कर पाता यानी कि एम आर एन ए में जो है एग्जॉन इंट्रॉन एग्जॉन इंट्रॉन जो है बने रहते हैं दूसरा ये है कि इसका मतलब ये हुआ कि जो पोस्ट ट्रांजिशनल मशीनरी है वो कोलाई में वर्क नहीं कर पाती तो जैसे इसके इसी कंडीशन के लिए हमें यू सिस्टम लेना पड़ता है तो ई कलाई क्या है एक प्रो सिस्टम है तो इसमें यह एक प्रोक्योटिक सिस्टम में मतलब अगर आपसे कोई डिसएडवांटेज पूछे तो आप ये बता सकते हैं कि प्रो सिस्टम में दे आर अनेबल टू प्रोसेस इंट्रॉन्स फर्स्ट एंड दे डू नॉट प्रोजेस द एक्सटेंसिव पोस्ट ट्रांजिशनल मशीनरी तो ये दो चीज़ें इसमें नहीं होती तो इसीलिए यू सिस्टम को यूज़ किया जाता है तो यू सिस्टम में जैसे मान लीजिए पोस्ट ट्रांसलेशनल मशीनरी जैसे ग्लाइकोसाइलेशन अगर प्रोटीन का करना हो प्रोटीन में मिथाइलेशन करना हो प्रोटीन का फास्फोराइलेशन करना हो तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं लेकिन इन सबसे बचने के लिए अब जो डी एन ए हैं या आर एन ए हैं जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी जगह हम सी डी एन ए का यूज़ करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री जो डी एन ए होता है वो बना होता है आ, ये आपको पता है कैसे बना होता है ये बना होता है आर से वापस से रिवर्स करके हम डी बना लेते हैं ऐसा करने से क्या होता है कि जो आर जो हमारा पहले से जिसमें इंट्रॉन ऑलरेडी रिमूव है इंट्रॉन नहीं है जिसमें उसका हम कंस्ट्रक्शन डी में कर लेते हैं तो होता ये है कि हमारे डी में सिर्फ एग्जॉन एग्जॉन सी जो कम्प्लीमेंट्री डी एन है उसमें सिर्फ एग्जॉन एग्जॉन सी बचेंगे और ऐसा करके हम जो एक्सप्रेशन वेक्टर में जो ये प्रॉब्लम आ रही है इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो ये एक पॉसिबिलिटी है अब हम यहाँ पर बात करेंगे ई e. कोलाई के डिफरेंट जो एक्सप्रेशन सिस्टम है कौन कौन से हैं उसके बारे में तो जो पहला वाला है ई कोलाई e. में वो है लेग प्रोमोटर लेग प्रमोटर में हमको पता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ लेक्टोज़ जो बीटा गलेक्टोसाइड गेल, एंजाइम में प्रोड्यूस होता है अदरवाइज़ जो लेग जेड जीन है इसमें आप मेरा जो है पुराने वीडियोज़ में देख सकते हो तो लेग जेड जीन पर पहले से ही जो है रिप्रेजर जुड़ा हुआ होता है तो लेक्टोज के प्रेजेंस में क्या होता है जो लेग जेड जीन है वो रिप्रेजर उससे हट जाता है रिप्रेजर पे ऑलरेडी जो है लेक्टोस बाइंड हो जाता है और बिटक इलेक्टोसाइड इसका प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है तो ये है लेग प्रोमोटर का कॉन्सेप्ट अब इसमें इस इस प्रमोटर को ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हम क्योंकि पहला तो ये है कि लेक प्रमोटर बहुत वीक होता है और बहुत हायर लेवल का प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं कर सकता तो इसलिए इसको हम यूज़ नहीं करते हैं ज़्यादा दूसरा जो प्रमोटर है वो है टेक प्रमोटर टी ए सी है ना टेक प्रमोटर तो जैसे लेक ओपेर में इंड्यूसर है लैक्टोज वैसे या फिर आई पी डी जी भी यूज़ करते हैं पर इसमें क्या होता है कि जो प्रमोटर है वो भी वीक होता है और दूसरा ये है कि जो इसमें जो कंसेंसस सिक्वेंस है उसकी तो कोई बात यहाँ की ही नहीं है तो यहाँ पर हम जो दूसरा प्रमोटर यूज़ करते हैं वो है टेक प्रमोटर टेक प्रमोटर में रिलेटिवली ये भी वीक है लेकिन इतना वीक नहीं है जितना कि लेग प्रमोटर वीक है तो ये फाइव टाइम्स बेटर प्रमोटर है देन द लेक प्रमोटर इसमें क्या होता है कि प्रमोटर से जब भी जो टारगेट हमारा जीन है उसका ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है और ओवर प्रोडक्शन ऑफ जीन होता है इसमें दूसरा क्या है कि थ्रू द एनालिसिस ऑफ मेनी अप्लाई प्रमोटर्स कंसेंसस सीक्वेंस ऑफ माइनस थर्टी फाइव एंड माइनस टेन रिजन

तो इसकी जगह कंसेंसस सीक्वेंस की जगह कुछ फ्यूजन सीक्वेंस दूसरे वाले लगाए गए हैं तो ये माइनस थर्टी फाइव वाले रीजन पे ई कोलाई टी आर पी लगाया गया है और माइनस टेन वाले रीजन पर लेक ओपेरॉन लगाया गया है तो इससे क्या होता है कि एक्सप्रेशन जो है कंट्रोलिंग मैनर में चलता है और एक्सप्रेशन जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिप्टोफेन बायोसिंथेसिस एंड लेक्ट्रोसमेटाबोलिज्म तो फिर क्या करते हैं ये ट्रिप्टोफेन का भी बायोसिंथेसिस करते हैं और लेक्टोस का भी मेटाबॉलिज्म करते हैं फिर टेट प्रोमोटर्स विच इज़ फाइव टाइम्स जैसे मैंने आपको बताया वो लेग प्रोमोटर से फाइव टाइम्स बेटर है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन टेट प्रोमोटर इज एबल टू इंड्यूज द एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट जीन सच दैट कोडेट पॉलीपेप्टाइड कैन एकूमुलेट एट द लेवल ऑफ ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट ऑफ़ द टोटल सेल प्रोटीन तो जो टेट प्रमोटर होते हैं वो टारगेट uh, जीन को इतना इंड्यूस करते हैं कि वो ईजिली पॉलीपेप्टाइड को कोट कर देते हैं और कितना कोट कर देते हैं जितना ट्वेंटी टू थर्टी परसेंट सेल प्रोटीन को चाहिए होता है मतलब काफ़ी अच्छा एक्सप्रेशन है इसका एक्सप्रेशन विकेक्टर दैट कैरी द टेट प्रोटर ऑल्सो कैरी द लेक ओ प्रमोटर तो ट्रेड प्रमोटर वाली जो एक्सप्रेशन सिक्स वैक्टर्स हैं वो लेक ओ यानी कि लेक ओपेन वाला जो प्रमोटर है वो ऑपरेटर भी uh, साथ में लेके चलते हैं यूजली द लेक आई जीन द लेक रिप्रेसर जीन क्लोन्ड इन टू दिस वैक्टर आर देयर फॉर आई पी टी जी इंड्यूसीबल तो आप जैसे ही आई पी टी जी डालेंगे वैसे ही ये इंड्यूस हो जाएंगे जीन्स और जो हमारा टेट प्रमोटर है वो वर्किंग हो जाएगा और ट्रिप्टोफेन का बायोसिंथेसिस करने लगेगा और लेक्टोस का मेटाबॉलिज्म करने लगेगा क्योंकि इसमें टेट प्रोमोटर के साथ में लेक ओपेरॉन भी है यानी कि लेक ऑपरेटर भी है और लेक ऑपेरॉन ऑपरेटर के साथ में जो है लेक आई जीन भी है ठीक है तो इसीलिए आईजीन क्या होगा इंड्यूस होगा एंड कैन बी रिप्रेस एंड इंड्यूस्ड बाय वेरियस वेराइटी ऑफ द इकोलाई स्ट्रेन तो ये बहुत सारी इकोलाई में आप यूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट जो प्रमोटर है वो है लेमडा पी एल प्रमोटर तो ये जो लेमडा पी एल प्रोमोटर है इसमें द लेमडा पी एल प्रोमोटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेमडा जिनोम तो लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि इधर की तरफ जो है एक पूरा लेमडा जिनोम होता है उसके ट्रांसक्रिप्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इंक्लूडिंग एन एंड सी थ्री इसको आप चैप्टर थ्री में देख सकते हैं इसको हम बाद में देखेंगे लेमडा रिप्रेजर द प्रोडक्ट ऑफ द सी एल जीन रिप्रेस द प्रमोटर तो इसमें क्या होता है जो लेमडा होता है जब ये ट्रांसक्राइब होता है तो इसमें एक रिप्रेजर होता है तो वो प्रोटीन क्या करता है आ, वो क्या करता है आ, रिप्रेस करता है प्रमोटर को है ना द प्रोडक्ट ऑफ सी एल जीन तो सी एल जीन कुछ रिलीज कर रहा है और इसको प्रमोटर को स्टॉप कर देता है प्रमोटर क्या है प्रमोटर है लेमडा पी एल कि जो सी फर्स्ट जीन है इज uh, रिप्रेसर रिप, रिप्रेसर ऑफ लेमडा पी एल है ना? इन द फर्स्ट द टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट ऑफ सी एल ये क्या है यह टेम्परेचर सेंसिटिव है इज यूज इन कंजक्शन विद द लेमडा पी एल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ टारगेट जीन वन ग्रोथ एट थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड दूटेंट सी एल प्रोटीन इज एबल टू बाइंड टू द लेमडा पी एल प्रमोटर तो थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड पर यह इसको ब्लॉक कर देता है और जैसे ही अबाव थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड होता है ये प्रोटीन अनस्टेबल हो जाता है और यह हट जाता है यहाँ से और अबाउ थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड ये एक्टिव हो जाता है ठीक है तो इस मेथड पर ये जो लेमडा पी एल प्रमोटर है वो मतलब टेम्परेचर बेस्ड वर्क करता है दिस मेथड प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ टारगेट जिन एक्सप्रेशन इसके कारण हम जैसे ही टेम्परेचर कम करते हैं हमारा प्रोटीन कम हो जाता है हम जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे ही हमारा प्रोटीन बढ़ जाता है बट द हीट पल्स रिक्वायर टू इंड्यूस प्रोटीन प्रोडक्शन कैन बी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल लेकिन ये जो टेम्परेचर है इसको कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो इसके लिए एक सेकेंड वे यूज़ किया है टेम्परेचर बेस्ड नहीं बना करके हमने इसको ट्रिप्टोफेन बेस्ड बना दिया है तो ट्रिप्टोफेन बेस्ड बनाने के लिए इसमें एक हमने टी प्रमोटर डाला है साथ में तो जब ट्रिप्टोफेन होगा तब ये जो टी प्रमोटर है ये एक्सप्रेस होगा और ट्रिप्टोफेन का यूटिलाइजेशन करेगा जब ट्रिप्टोफेन ख़त्म हो जाएगा तो अपने आप अल्टीमेटली जो प्रमोटर जीन है वो एक्टिवेट हो जाएगा तो विच विल प्रिवेंट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सी जीन तो जैसे ही टी के प्रेजेंस में ट्रिप्टोफेन रहेगा ट्रिप्टोफेन इसको ब्लॉक करेगा इसको ब्लॉक करेगा तो लेमडा पी काम करेगा यानी कि ट्रिप्टोफेन के प्रेजेंस में लेमडा पी प्रमोटर काम करेगा और जैसे ही ट्रिप्टोफेन ख़त्म हो गया टीआरपी का, का काम बंद हो जाएगा सीएल जीन एक्टिवेट हो जाएगा सीएल जीन, जीन जो होता है लेमडा पी एल पर वर्क करेगा और लिम्डा पीएल इनएक्टिवेट हो जाएगा तो इस टाइप से ये सिस्टम काम करता है तो ये ट्रिप्टोफेन बेस्ड सिस्टम है जो कि इम्पॉर्टेंट है है ना इसके पहले के हमने जो पढ़े वो सिस्टम ज़्यादा करके जो है लेकटोज बेस्ड और दूसरा वाला जो है आई बेस्ड और तीसरा वाला जो है ट्रिप्ट ट्रिप्टोफेन बेस्ड है तो ट्रिप्टोफेन बेस्ड होने के कारण यहाँ पर क्या है हाईली टॉक्सिक प्रोटीन के एक्सप्रेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो इस टाइप से हम एग्ज़ाम में लिख सकते हैं ताकि ये इजीली हमारा कैसे एक्सप्रेशन होता है प्रोटीन्स का वो हम बना सकें बता सकें तो इसमें हम तीन मेथड्स ऐसे लिख सकते हैं पहला हम लिख सकते हैं जो हमारा पहला हम लिख सकते हैं जो एक्सप्रेशन सिस्टम है वो लेख प्रमोटर बेस्ड सिस्टम है जो कि लैक्टोज बेस्ड है ठीक है इसके बाद जो दूसरा है हमारा वो टेक प्रोमोटर सिस्टम है जो कि आईपीटीजी बेस्ड सिस्टम है और तीसरा वाला जो लेमडा पीएल प्रमोटर प्रोमोटर है वो ट्रिप्टोफेन बेस्ड सिस्टम है ठीक है ऐसे हम इसको बना सकते हैं अब जो भी वायरल प्रोटीन बनेगा सपोज कीजिए उसको आपको मेमिलियन सेल कल्चर से एक्सट्रैक्ट करना है तो इसमें आप यूज़ कर सकते हैं डेंसिटी डेंसिटी बेस्ड क्रोमेटोग्राफी या आप दूसरा यूज़ कर सकते हैं लोसाइटोमेट्री और तीसरा आप यूज़ कर सकते हैं आ, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी तो मैं अब यहाँ पर आपको एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बारे में बताऊँगा जो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है ये या तो हिस हिस्टोरिन टेगड क्रोमेटोग्राफी होती है दूसरी जीएसटी टैग क्रोमेटोग्राफी होती है है ना जीएसटी का मतलब हो गया ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफरेस तो इसके टैगिंग किया जाता है हिस्टोरिन की जगह ग्लूटाथियोन इसके बाद तीसरी टैगिंग होती है एम बी पी टैगिंग ठीक है यानी कि माल्टोज बाइंडिंग प्रोटीन टैगिंग होती है और चौथी जो टैगिंग है वो है इम्पैक्ट टैगिंग इम्पैक्ट यानी कि एफिनिटी कायटीन बाइंडिंग टैग ठीक है तो इसकी भी बाइंडिंग होती है तो इसमें मैं इसमें सिर्फ आपको एक जो हिस्ट्री से बाइंडिंग होगी उसके बारे में बताना चाहूँगा तो हिस्टेग क्रोमेटोग्राफी जो है इसमें हिस्टडिन रेसिड्यूज का यूज़ किया जाता है दिस इज़ वेरी सिंपलेस्ट मेथड फॉर द प्रोटीन प्यूरिफिकेशन इसमें जो डीएनए है वो वेक्टर में इंसर्टेड है और अब जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है ट्रांसलेशन कर रहा है और फाइनली प्रोटीन प्रोड्यूस करता है तो ये प्रोटीन जो पॉलीपेप्टाइड सिक्वेंस है इसके या तो एक्सट्रीम एमिनो एसिड साइट पर या फिर कार्बोक्सिल टर्मिनल साइट पर सिक्स कन्जिकटिव हिस्टाडिन रेसिड्यू ऐड होते हैं ठीक है तो ये सिक्स हिस्टिडिन रेसिड्यू जब ऐड हो जाते हैं तो हिस्ट्रीन हिस्टिन को क्या किया जाता है हिस्टिन जो होता है एफिनिटी रखता है बाइंडिंग कोवेलेंट बाइंडिंग विद द मेटल आयन तो हिस्टिन किसी भी मेटल आयन से बाइंड होने के लिए एफिनिटी रखता है अब ये मेटल आयन यहाँ पर क्या है मेटल आयन ये निकिल है यहाँ पे तो इस टाइप की मेथड को हम बोलते हैं मेटल आयन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी है ना और ये निकिल किससे ऐड एड होता है ये निकिल जुड़ा होता है रेजिन मेट्रिक्स से और रेजिन मेट्रिक्स किससे जुड़ा होता है ये एक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है जिसको हम नाइट नाइट्री लो एसिटिक एसिड सॉरी जो निकिल होता है वो एक नाइट्रो लो एसिडिक एसिड यानी एन से जुड़ा हुआ होता है और ये जो एन है ये एक आ, रेजिन मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ होता है अल्टीमेटली ये जो निकल है इसके आ, इसमें क्या होता है फ़ोर कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन साइट्स होती हैं तो निकल में दो कोऑर्डिनेशन साइट्स तो एन के साथ जुड़ी हुई होती हैं लेकिन दो जो कोऑर्डिनेशन साइट्स हैं वो फ्री होती हैं तो ये देखा गया है कि इस रेजिन मैट्रिक्स वाले पूरे नाइट्रिलो एसिडिक एसिड वाले जो कॉलम हैं इसमें अगर वाटर डाला जाए तो ये निकल की जो दो साइट्स हैं ये इसके साथ में कोई इंट्रेक्शन नहीं करती है ना लेकिन जब उस कॉलम क्रोमेटोग्राफी में इमेडाजोल बेस्ड रिंग यानी कि हिस्ट्रिन वगैरह डाला जाए तो उसके साथ हाईली बॉन्डिंग uh, करती है और इस बॉन्डिंग uh, बेसिस पर जो है प्रोटीन फर्मली एड हो uh, एडहर हो जाता है इन द क्रोमेटोग्राफी कॉलम और इस टाइप से द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द होस्ट प्रोटीन विल नॉट बी एबल टू बाइंड टू द कॉलम ऑफ दिस टाइप तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जिनमें हिस्टिडिन नहीं होता है तो वो वाले प्रोटीन्स जो हैं वो एड नहीं हो पाते हैं तो स्ट्रक्चरली देखा जाए तो ये हिस्टडिन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में ये रेजिन मैट्रिक्स है और इसको जो है इस्पेसर कहते हैं ये स्पेसर जो है ये एन टी ए है, है ना? नाइट आ, जो हमने भी आपको बताया नाइट्री लो एसिडिक एसिड है ना नाइट्रेलो एसिड अब ये एन टी ए के साथ जुड़ा होता है ये देखिए ये निकल है इस निकल के जो दो वैलेंट हैं ये नाइट्रेलो एसिटिक एसिड के साथ जुड़े होते हैं ये पूरा जो स्ट्रक्चर है नाइट्रेलो एसिटिक एसिड का है और इसके जो दो वैलेंट होते हैं वो फ्री होते हैं और ये दो वैलेंट जो होते हैं जो इमिडाजोल रिंग है इसके साथ जुड़ते हैं तो इमिडाजोल रिंग जो है किसमें मिलती है ये हिस्टिडिन में मिलती है और हमारा जो प्रोटीन है वो अम, जो एमिनो एसिड टर्मिनल्स हैं या तो यहाँ पर और या फिर कार्बोक्सिल टर्मिनल जो हैं यहाँ पर से जुड़े हुए होते हैं और ये अल्टीमेटली निकल से जुड़ जाते हैं तो ये है एफिनिटी क्रोमोटोग्राफी का मेन प्रिंसिपल अब प्रोटीन प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं कि जो इकोलाई है जिस सेल में हमारा वेक्टर है तो इस एक्सप्रेशन वेक्टर के लिए हम इस ई e कॉलाई का ब्रेकडाउन करते हैं ई e कॉलाई का ब्रेकडाउन कैसे करते हैं ये आप हमारी या किसी भी सेल का ब्रेकडाउन कैसे करते हैं या सेल डिस्ट्रक्शन कैसे करते हैं इसके लिए भी मैं आपको एक यूट्यूब पर वीडियो बनाऊँगा उसको आप देख सकते हैं सेल का डिस्ट्रक्शन ग्राइंडिंग से या फिर ब्लेंडिंग से या फिर सोनिकेशन का यूज़ करके करते हैं तो उसके लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा तो जब यहाँ पर ई सेल का डिस्ट्रक्शन होता है और इस सेल ब्रोकन पार्टिकल्स जितने भी हैं इसको हम सबसे पहले सेंट्रिफिकेशन करके ऊपर जो आ, नीचे जो सेडिमेंट में सेल डिबरीज आए हैं उसको रिमूव कर देते हैं उसके बाद जो सुपरनेटेंट होता है आ, उसको हम निकल एन ए कॉलम में डालते हैं तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं इस कॉलम को वॉशिंग करते हैं विथ लो कंसनट्रेशन ऑफ इमिडाज़ोल इमेडाजोल से वॉशिंग करने पर क्या होता है कि लगभग निकल एंटी ए सभी इमेडाजोल से बाइंड हो जाता है ऐसा इसलिए होता है ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हो सकता है कि इस कॉलम में पहले से कोई हिस्टिन का इंट्रेक्शन हुआ हो तो उसको लो एफिनिटी हिस्टिन इंट्रेक्शन हो तो उसको रिमूव कर दिया जाता है इसके बाद में जब हम हिस्टिन रिच प्रोटीन डालते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो पुराना इमेडाजोल हमने ट्वेंटी मिली मोल डाला था ये रिमूव हो जाता है और अब हमारा हिस्टेड रिच प्रोटीन डलने से फाइनली एन के साथ निकल एन के साथ में ये प्रोटीन बाउंड हो जाता है विद द हाई कंसनट्रेशन अब इसके बाद क्या करेंगे हमें अब हमारा प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करना है एल्यूट करना है तो एल्यूट करने के लिए पहली प्रोसीजर है कि अब आप इसके अंदर हाई कंसनट्रेशन का इमिडाजोल डालेंगे यानी कि 250 फिफ्टी का तो उससे क्या होगा कि निकिल के साथ में जो हिस्टिडिन की बाइंडिंग है वो सेपरेट हो जाएगी और उसको हम जो है रिमूव कर लेंगे पहला तो एल्यूशन का मेथड ये है दूसरा अल्टरनेटिव एल्यूशन टेक्निक में ये आता है कि हम अगर पी चेंज कर दें जैसे अभी तक बेसिक प्रोटीन आ, बेसिक चल रहा था प्रोटीन का अब इसमें हम अगर इसको एसिडिक कर दें तो एसिडिक करने पर सारा का सारा जो हिस्टिडीन टेक्ड प्रोटीन है वो रिमूव हो जाएगा एक मेथड और है कि हम इसमें ईडी टी डाल दें कॉलम में तो ई डी टी क्या करेगा निकल के साथ बाइंडिंग करेगा तो निकल के साथ बाइंडिंग करने पर जितना भी हिस्टिडीन निकल के साथ बाइंड था वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा तो ये टेक्निक यूज़ की जाती है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ये एक्सप्रेशन सिस्टम uh, या सेल डिस्ट्रक्शन और ये पूरा प्योरीफिकेशन जो होता है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया के केस में किया के जाता है बल्कि इसको हम यस्ट के केस में इंसेक्ट वायरस बेकलो वायरस वगैरह के केस में या फिर मेमिलियन वायरस के केस में भी यूज़ कर सकते हैं एक एफिनिटी क्रोमटोग्राफी और होती है जो मैं बताना भूल गया वो होता है टेप टैगिंग ठीक है तो ऐसे करके अभी हमने जो आ, अलग अलग टैगिंग पड़ी है तो इसमें पहला हो गया हमारा हिस्टैगिंग दूसरा हो गया हमारा जी टैगिंग तीसरा टैगिंग है एमबीएल टैगिंग है ना माल्टोज बाइंडिंग प्रोटीन वाला टैगिंग फिर चौथा हमारा एक यहाँ बताया था हाँ इम्पैक्ट टैगिंग है ना इम्पैक्ट टैगिंग और अब जो पांचवा है वो है टेप टैगिंग टेप का फुल फॉर्म होता है टेंडम एफिनिटी प्यूरिफिकेशन टैग है ना ये होता है टैप का फुल फॉर्म तो अब मैं वापस से अपने हिस्ट्रीन टैगिंग पर ही आता हूँ एफिनिटी क्रोमोटोग्राफी जो पांच टाइप की आपको बताई मैंने उसमें आ, एफिनिटी क्रोमोटोग्राफी में मैंने जैसे आपको रेजिन मैट्रिक्स बताया इन केस ऑफ एच तो या सॉरी हिस्टैगिंग तो उसमें आप क्या कर सकते हैं आ, एक नया काम कर सकते हैं उसमें यह है कि आप रेजिन मैट्रिक्स के एग्रोज भी मिला सकते हैं एगरोज़ के साथ भी जो है रेजिन मैट्रिक्स के एगरोज़ का यूज़ कर सकते हैं और उससे स्पेशल जुड़ा होगा और उससे जो होगा हमारा एन टी ए निकल जुड़ा होगा तो इस टाइप का कॉलम भी बनाया जा सकता है तो होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल दैट लेक्चर सीरीज एंड आई थिंक द रिकॉम्बिनेंट एंड वायरल एंटीजेंस इट्स प्रोटीन प्रोडक्शन एंड प्यूरिफिकेशन and uh, how many vectors are there i think uh, all uh, the topics uh, is covered in this uh, video so thanks for watching